अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफीक ख़ास और उसकी मेहरबानी से हम ये मजलिस कुरान अल कुरानुल करीम को जानिए के नाम से माशाल्लाह पहले रमज़ान से जारी व सारी है रब्बुल जलाल की तौफीक से। और आज 10वां रोज़ा है और 10वें पारे की ही मौज़ूआती तफसीर आपके सामने आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भी हिम्मत दी है और आपको भी तौफीक और हिम्मत दी है कि ये कुरान मजीद की मजलिस जो है जिसके बड़े फ्यूज़ और बरकात हैं, बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी खैरात हैं, इसमें बैठने की तौफीक अता फरमाई है। हज़रीन मोहतरम, ये पीछे जो नवा सिपारा नवा पारा गुज़रा है, ये चूँकि लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ी सी ये भी इसलाह कर दूँ, मेरे मुंह से भी सिपारा निकल गया। जब हम कहें कुरान मजीद का ना, तो हमें सिपारा नहीं कहना चाहिए, पारा पारा कहना चाहिए। कुरान मजीद का नवा पारा, 10वां पारा। सिपारा जो है से कहते हैं 3 को और पारा एक हिस्सा, चूँकि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है तो सिपारा तो कहते हैं 3 को यानी 3 हिस्से, इसलिए सिपारा नहीं कहना चाहिए बल्कि क्या कहना चाहिए, पारा कहना चाहिए। इसमें ये इस्लाही बात थी जो मैंने रिकॉर्ड करवा दी। तो कुरान मजीद का पीछे जो है नवा पारा गुज़रा है जिसमें सूरतुल अनफाल का आगाज़ हुआ, सूरतुल अनफाल में, और आगे से फिर 10वें पारे में सूरा अनफाल आ गई। और सूरतुल अनफाल जो है ये नफल की जमा है अनफाल, और नफल कहते हैं ज़्यादा चीज़ जो इजाफी हो, और अनफाल यानी अनफाल को ये एक लिटरल मीनिंग है लुगवी माना, और इसका जो इस्तलाही माना उसका मतलब अनफाल का माना है माल गनीमत। अनफाल का माना क्या है, माल गनीमत, यानी जो इस दीन इस्लाम का हजूर अलैहिस्सलाम की सिपा सलारी में, पाक अलैहिस्सलाम की क़यादत में, हजूर अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में दीन इस्लाम का ज़मीन पर सबसे पहला हक़ व बातिल का जो मारका हुआ वो ग़ज़वा बदर है, जिसकी हजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सुपरविजन फरमाई, खुद क़यादत फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में उसने इस अजीम मारका हक़ व बातिल में अपने महबूब की फ़ौज को और अपनी दीनी फ़ौज को फतह और कामयाबी से हमकिनार फरमाया। क्या मनाजिर होंगे, क्या दीदनी नज़ारे होंगे कि जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर की खुद क़यादत फरमा रहे हो। देखिए हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा के बड़े खूबसूरत तरीन दिन 53 साल जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम ने मक्का की सरजमीन पर गुजारी है, उसमें 40 साल आप सल्लम की जिंदगी बेसत नबी से पहले की है यानी ऐलान नबूवत से पहले की है, और 13 साल जिंदगी आप सल्लम की हयात नबी की है यानी ऐलान नबूवत के बाद की 13 साल जिंदगी है। ये 13 साल नबी जिंदगी जो है इसका अपना एक निराला अंदाज है, 40 साल मक्की जिंदगी का अलग एक निराला अंदाज है, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत फरमाने के बाद मक्का में जो 13 साल गुजारे हैं वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो मक्की नबी जिंदगी है वो मुश्किलात, तकालीफ, परेशानियां, मुखालफतें, मुखासमतें उनमें गुजरी। और आपको पता है कि कोई भी एक, जैसे कल भी मैं अर्ज कर रहा था कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत जब गई तो आम लोगों ने तो उसे कबूल किया, क्योंकि जो पिसा हुआ तबका होता है, जो आम तबका होता है, जिसकी मुआशरत जो है दूसरे दबा के बैठे होते हैं, जिसकी मईशत दूसरे दबा के बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े सरदार उस वक्त के थे, जो जिन्होंने आम बंदे का जीना दोबर कर रखा था, तो जब अंबिया अलैहिस्सलाम का तबका आया और फिर खासकर सैयद अलंबिया हादी दो जहां सरवर कनात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये नारा बुलंद फरमाया कि आज के बाद काले गोरे में कोई तमीज़ नहीं, अरबी अजमी में कोई तमीज़ नहीं, अमीर गरीब में कोई तमीज़ नहीं, छोटे बड़े में कोई तमीज़ नहीं, तो उस वक्त जो पिसा हुआ तबका था वो सबसे पहले हजूर की जुबान मुबारक पर लबैक कह के आया और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जहां आपकी आवाज होगी हमारा सारा कुछ कुर्बान होगा। तो उस आवाज को जो है फिर वो जो सरदारान कुरैश थे, सरदारान मक्का थे, अब किस सरदार को, चौधरी को जो है उस वक्त के जो होते थे
उसको बर्दाश्त होता कि हमारी चौधराहट छिन जाए, हमारी सरदारी छिन जाए, हमारी जो है ये एक जो हमने का अल्लाह ताला की शान है। हालांकि सारी अल्लाह की मखलूक है, वो मालिकुल मुल्क है, वो मालिकुल मुल्क है। बंदा जिसकी कुव्वत ही कोई नहीं, अपने आप को बहुत कुछ समझ के अल्लाह की मखलूक पर हुकूमत करने की कोशिश करता है, अब अल्लाह की मखलूक को दबाने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला अपनी उस मखलूक को उठाने के लिए हर दौर में कोई ना कोई अपनी बारगाह का जो है वो नुमाइंदा पैगंबर की सूरत में भेजता रहा। और जब अल्लाह ने सैयदुल अंबिया हादी तो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और इलान नबूवत फरमाया, तो रहती दुनिया तक क्यामत तक अल्लाह ताला ने सीरत नबी और सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ऐसा पैगाम दे दिया कि क्यामत तक अल्लाह ताला ने हजूर के सदके अपनी मखलूक को इज्जत और हौसला और अजमत की जिंदगी अता फरमाई। तो मक्का के लोग जो हैं वो तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे थे, और लम्मा बलम्मा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई जिंदगी है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की जिंदगी है, उसको जो है रोकने की कोशिश किया करते थे। तो हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया मक्का में। आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब मदीना तशरीफ ले आए तो यहाँ आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम ने मुआखात मदीना फरमाया कि जो मक्का से चल के असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो वो तो सारा कुछ वहाँ छोड़ के आए, ज़मीनें वहाँ रह गई, घर बार मवेशी कारोबार सारा कुछ वहाँ छोड़ के आए, यहाँ तो दो कपड़ों के साथ मदीना की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा। तो कमाल है हिकमत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमाल है दानिशमंदी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कमाल है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले उनका ये ख्याल करा कि या कि इनकी सबसे पहले मुआशरत और मईशत को मजबूत किया जाए। आपको पता है कि जब तक बंदे के पेट में खाना ही नहीं होगा, बंदे को ज़रूरियात असलिया जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए इंसान के पास वसाइल ही नहीं होंगे, तो इंसान दीन का काम कैसे करेगा। एक आप ये बताएं कि एक बंदे के घर में भूख डेरे लगा के बैठी हो, एक बंदे के वसाइल ही पूरे नहीं होंगे तो वो मस्जिद में आएगा, वो तो परेशान होगा। और जिसकी कम अज कम बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी तो वो अल्लाह की बारगाह में आके अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले निज़ाम मुआशरत को संभाला, और वो अंसार असाबा जो पहले ही मदीने में मौजूद थे, एक अंसारी सहाबी और एक महाजर सहाबी को आपस में मिला दिया, फरमाया कि तुम हमारे पास जो कुछ है अपने इस आने वाले भाई के सपुर्द कर दो, और फिर यहूदियों के साथ मुआहदा किया। अब आका अलैहिस्सलाम को 2 साल मिले और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखकर अल्लाह के दीन को मजबूत करना जब शुरू किया तो वो शोरश ज़्यादा जहन जो थे मक्का के, जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वहाँ भी तंग किया, तकलीफें दी, उन्होंने कहा कि अब तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मजबूत होते जा रहे हैं, और अगर मजबूत हो गए तो हमारी मक्की चौधराहट तो ख़त्म हो जाएगी, हमारी अरब की सरदारी तो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने 1000 का लश्कर तैयार किया, 1000 का लश्कर तैयार किया जो जंगजू मोटे ताज़े सॉरी जनाब अली हर तरह से मजबूत करके, जहाँ घोड़े ऊंट तलवारें नेजे फाले जो उस वक्त की एक मतलब जंगी साजो सामान की एक तैयारी होती थी उन्होंने तैयारी की, और कहा कि तौबा नऔज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अबू जहल ने ये जो है वो बड़क मारी कि आज के बाद जो है ये जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, उसने कहा ये ऋण लेने लेने वाला कोई भी नहीं होगा। ये अबू जहल ने कहा, अबू लहब ने कहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाया कि फरमा रहा है कि हमने ये मारका है हक व बातिल इसलिए किया, ले युहिक्कल हक्का व युबतिलुल बातिल व यक्ता दाबिरल काफिरीन। रब ने फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखना कि आप थोड़े हैं 313 हैं, वहाँ 1000 का लश्कर है, घोड़े हैं ऊँट हैं वहाँ नेजे हैं फाले हैं तीर हैं, लेकिन मैंने ये मारका हक व बातिल इसलिए कायम किया है कि आज रब चाहता है कि हक को बुलंद कर दे और बातिल को हमेशा के लिए नेस्त नबूद कर, और फिर दुनिया ने देखा, और क्यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन जो है वो नज़ीर और मिसाल कायम कर दी कि 313 है और उधर 1000 है। अल्लाह अकबर। जब मैदान बदर में
अब आप ये देखिए कि बदर के मैदान में क्यों ये पड़ाव डाला है। इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला ये चाहता था कि मैदान बदर में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराजी इज़्ज़त और अज़मत अता फरमाए। दूसरी बात यह थी कि अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे अभी तक, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शाम गए थे तिजारती काफिला, 100 सरदारों का उसमें सामान था, 70 ऊँटों पर लदा हुआ, इतना बड़ा जो है उस वक्त की करेंसी के मुताबिक तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा बेतहाशा यानी बेबहा सरमायादारी उस पर जो है वो इन्वेस्ट की हुई थी, और बड़ा कीमती असास और सामान वो वापस आ रहे थे। वो काफिला निकल गया वहाँ से, मुसलमानों के हाथों में से निकल गया, अल्लाह के हुक्म से ये मार्का बद्र कायम होना था। उधर जब अबू सुफियान ने पैगाम दिया कि मुसलमान तो मुझ पर हमला करने लगे हैं, 1000 का लश्कर तैयार करने के, जब दरमियान में आ गए करीब काफ़ी, तो उन्हें पता चला कि अबू सुफियान का काफिला तो बच गया है। अबू जहल ने कहा नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, हम ऐसा करते हैं हम बदर के मकाम पे जाएंगे। वहाँ चूँकि मैदान बदर में उस वक्त बहुत बड़ा मेला लगता था, एक मार्किट थी, मार्किट थी, ये लोग पहले भी वहाँ जब तिजारत के घर से आते थे तो वहाँ रुकते थे और वहाँ शराबें पीना, गुल गपाड़े और इस तरह के काम करते थे। तो कहने लगे हम जाते हैं बदर के मकाम पे, वहाँ मुसलमानों पे धाक बिठाएंगे, वहाँ शराबें पिएंगे, हम ऊँट ज़िबा करेंगे, ऊँट का गोश्त खाएंगे, हम जो है वो जो वहाँ पर नाच गाना करेंगे, उछल कूद करेंगे, हम मज़े उड़ाएंगे और मुसलमानों को तौबा नौज़ुबिल्लाह शिकस्त दे के, तो हम पूरे अरब पर, अबू जहल ने कहा पूरे अरब पर हमारी धाक बैठ जाएगी। अल्लाह अकबर, वो पहले आ गए, जो मैदानी जगह थी वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। हजूर अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ़ ले आए, आका अलैहिस्सलाम का 313 का लश्कर, बंदे भी कम तादाद में, असहाबे रसूल भी कम, और वो जंगी साजो सामान भी कम, तलवारें कम, घोड़े कम, हाँ जी ये सारा, यानी जहरी तौर पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक जहरी जो असबाब होते हैं उनको बरूए कार लाकर जो है वहाँ फतह और कामयाबी का कोई उनसर और एलिमेंट पैदा होता हो, ऐसा नहीं था। ये जो मार्का है बदर है, ये इतना बड़ा पैगाम है अहले ईमान के लिए, क़यामत रहती दुनिया तक, क़यामत तक मुसलमानों के, कि वो शेर है ना अल्लामा इकबाल का, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मुसलमान है कि बेतेग लड़ता है सिपाही, काफिर काफिर तलवारों पर। आज भी आप देख ले, आज हम 1.5 अरब हैं, ईमान में बेशक कमज़ोर हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हमारा आज भी साथ देने वाला है। आज भी हमारे दिल में अगर ईमान है तो हम तो अगर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए दुनिया से चले जाएंगे लड़ते हुए, तो हमें जो है अब अल्लाह की बारगाह से तोहफा शहादत मिलेगा। मुसलमान बंदा है मोमिन को, काफिर को क्या मिलना है, दुनिया की डींगें और आखिरत में जो है अल्लाह ताला के अजाब से मुस्तकना। उन्होंने बहरहाल यहाँ आ गए, मुसलमान बाद में आए, तादाद में भी काम मुख्तसर, ये अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी करम नवाजी फरमाई, इतनी करम नवाजी फरमाई कि बारिश बरसाई, बरान रहमत बरसाई, और मुसलमान कई दिनों से चले हुए थके हारे, बारिश जब बरसी, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की शान देखे, मैदान वो बिल्कुल पक्का मैदान जो था वहाँ कीचड़ बन गई, पानी खड़ा हो गया जैसे बारिश हुई है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ ले आए, रेतले मैदान पर ठहरे थे, वहाँ चल चला भी नहीं जा सकता था, सवारियाँ भी नहीं बांधी जा सकती थी, पानी के जो बड़े बड़े जो वहाँ पर छोटे छोटे जखायर से जहाँ पानी खड़ा उस पर पहले काफिरों ने कब्जा कर लिया, रब ने बारिश बरसाई, रब ने फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पानी है आपके सिपाही जो अपनी सवारियों को पिलाएं, ठीक है, और जो रेत है जहाँ चलना नहीं और था रेत को मैंने बंद कर दिया है, पानी से पानी के साथ जो है वो मजबूत कर दिया है, और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थके हारे हुए थे आप और आपके साहब है उनको फ्रेश कर दिया, उनके जिस्मों को ही धो दिया है, अब अल्लाह ने कामयाबी का यहीं से आगाज़ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। और फिर आगे जो है कुरान क्या कहता है, इस युरीकहुमुल्लाहु मनामिका कलीलन वलौ अराकहुम कसीरन लफशिलतुम। अब अल्लाह ताला की शान देखिए कि काफिर जब मुसलमानों को अबू जहल, अबू सुफियान और सॉरी अबू सुफियान तो थे ही नहीं, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा जो सरदारान कुरैश थे मक्का के थे, वो कहते जाके देखो ये मुसलमान कितने हैं, मुसलमान जब देखने आते थे तो 313 लेकिन 100 से भी कम लगते, ये अल्लाह ताला की शान थी, ये मोइज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उनको भी कम दिखाया ताकि वो पीछे भाग के वापस ना चले जाए।
और आके उनके एलची आके कहते एलची और उनके नुमाइंदे कहते यार तो थोड़े जो है ये तो थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं, इनको तुम ऐसे दबोच लोगे, घबराना नहीं है। और अल्लाह की शान है जब मुसलमान काफरों को देखते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत काफरों को हालांकि 1,000 था उनको भी कम करके दिखाता था ताकि मुसलमानों के दिल में भी तसल्ली और इत्मीनान आए और ये शैतान की तरफ से कोई ऐसा वसवसा ना आए कि वो तो बहुत ज्यादा है। काफरों को भी कम करके दिखाया वो भी वजह बता दी और मुसलमानों को भी कुरान कहता कम करके दिखाया वो वजह भी बता दी। अब अल्लाह अकबर 313 कहां जहां जहरी असबाब नहीं सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह अकबर जब मैदान सजता है तो आका अलैहि सलातो सलाम अपनी जो है वो अपना कशाना अकदस आप अपनी जो खैमा है वो लगा के बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में हाथ खड़े कर दिए। हजरत उमर फरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हजूर ने इतनी दुआ की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली गिर गई, हजूर के बगल नजर आ गए और आका यहां तक दुआ करते करते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी बात यह भी कह दी कि या अल्लाह गवाह रहना अगर ये मुट्ठी भर कलमा पढ़ने वाले आज मिट गए तो क्यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। किसी को जुरत है कि ये बात करे? किसी को बड़ा परहेजगार भी हो बड़ा मुत्तकी हो बल्कि कोई नबी किसी पैगंबर ने ऐसा जुमला कहा है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1,000 साल अपनी कौम को दावत दी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितनी अदबैशी आई, हजरत मूसा को किसी ने यह कहा? किसी ने यह कहा कि या अल्लाह दो चार मुसलमान हुए ने जे ये मिट गए तो तेरा नाम ही किसे नहीं लेना? मगर नहीं, ये जबान मुस्तफ़ा है, ये ज़ात मुस्तफ़ा है। रब ने फरमाया मेरा महबूब तू जो कहे मैं तेरी बात को और मुस्तहकम बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। बस ऐसे हाथ नीचे करने की देर थी, हजूर फरमाते हैं मेरे साहबा खुशखबरी हो मैं देख रहा हूं कि आसमानों पर जिब्रील फरिश्तों की सफ़े सीधी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात। मुसलमान ऐसे घबराते हैं, हम तो उस हजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उस आका का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनकी मदद के लिए आसमानों से रब ने मदद और नुसरत नाजिल फरमाई है। और अलामा इकबाल ने फरमाया ना फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार। आज भी अगर वो फिजा पैदा हो मुसलमानों के ईमान का जज्बा हो तो आपने देखा कि फलस्तीनी हमारे भाई उनके पास कुछ भी नहते हैं लेकिन ईमान की ताकत है, आज तक वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर को देख लें, फलस्तीन को देख लें, गो के मुसलमान जो है 55-60 मुल्क मजबूत होने के बावजूद भी एक यूनिटी पैदा नहीं हो रही, लेकिन ईमान जो है वो एक यूनिटी है। ईमान क्या है? यूनिटी है। और बदर हमें गज़वा बदर हमें यही पैगाम देता है, फरिश्ते आ गए, हजूर अलैहिस्सलाम सफ़े सीधी फरमा रहे हैं और उधर से फरिश्ते आ रहे हैं। कुरान मजीद ने एक जगह 3,000 कहा, एक जगह 5,000 कहा, एक जगह 1,000 से शुरू किया। अल्लाह अकबर। और आगे ये मामला चलते चलते अब वो जो एक हजूर अलैहिस्सलाम इधर जो है सफ़े सारे मामलात करने के बाद सुराका बिन जाशम एक कबीला था जो मक्का से बाहर रहता था, तो उस कबीले का सरदार था सुराका बिन जाशम। वो कबीला ज़रा थोड़ा तकड़ा भी था माली लिहाज से भी, ये वो जब काफिर चलने लगे उन्होंने कहा कि ये ऐसा ना हो गया हमने मक्का तो खाली कर दिया तो कहीं वो सुराका बिन जाशम अपना लश्कर लेके तो हमारे मक्के पे हमला ही ना कर दे। जब वो ये सोच रहे तो शैतान खबीस उसकी शक्ल में अबू जहल के साथ आ गया। उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी मैं तुम्हारे नाल ही हूँ, परेशान नहीं होना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब सब बंदी होगी सारा कुछ हो गया, पहले तो शैतान जो है अबू जहल का भी उतबा का भी और सरदार ने कुरैश के इनके हाथ पकड़ के खड़ा था ऐसे, बल्कि उन्होंने खुद ही इसके हाथ मजबूती से पकड़े हुए कहीं ये भाग ही ना जाए। उन्हें टेंशन थी ना कि इसका कबीला पीछे हमारे ऊपर हमला ही ना कर दे। ये हमेशा याद रखें यहाँ से क्या हासिल होता है, काफिर जितने असबाब लेके खड़ा हो लेकिन अंदर से डर रहा होता है, अंदर से डर रहा होता है कि यार ये जो अल्लाह की शान देखें आप, अब दुनिया में ये अजमाल है जो ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वजन है ना, यही वजन दिल को भी ताकत देता और जान को भी ताकत देता, इस जैसा तो वजन ही कोई नहीं।
ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा, जैसी जैसा वेटेज, जैसी ताकत, जैसी सुप्रेमेसी, जैसी पावर किसी दुनिया के जुमले में है। और ये जुमला जब दिल में आ जाता है तो फिर ये जुमला क्या कहता है, सब कुछ कुर्बान कर दो चूंकि इस जुमले ने तुम्हें इज्जत देनी है, इस कलमे ने तुम्हें इज्जत देनी है। अल्लाह अकबर। उस वक्त तक तो उसने हाथ थामे रखा। अब कुरान कहता है वकाल अल्लाह ग़ालिब लकुम अल्यौम मिन अन्नास, शैतान कहने लगा देखो आज तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा, वह इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारे साथ ही तो खड़ा हूं। फलम्मा तरात अल्फियतैन, जब फौजें आमने सामने हुई, नाकसा अलाके भाई हाथ छुड़ाया और पीछे हो गया। वकाल इन्नी बरी हूं, इनका कहने लगा नहीं 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 मैं थोड़े नाल नहीं हूं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। बरीम इन्ना सॉरी इन्नी आराम आला तराउन, मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे, जो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, उसका रब का जबरदस्त अजाब मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने कहा इन्हों क्यों है, ये क्यों हाथ झटक के पीछे जा रहा है? क्योंकि वो देख रहा था कि सामने जिब्रील, पीछे मिकाइल, इधर इसराफील, इधर जनाबली फरिश्तों के झुंड, ऐसे कतर। जब उसने देखे ना तलवारों में हाथ पकड़े हुए फरिश्ते, अमामे सब्ज अमामे और खूबसूरत चेहरे, उसने कहा अच्छा अल्लाह ने तो फरमाया था ना कि इला वक्तिल मालूम, तुझे क्यामत तक जिंदगी दी है, तो ये तो फरिश्ते आ गए, इन्होंने मैंने छड़ना ही नहीं। ये तो काम बड़ा खराब हो गया। और वाकयातन ये भी रिवायात में आता, अगर वो खड़ा रहता तो उसकी जिंदगी का भी आखिरी दिन होता। लेकिन ये उसके दिल में क्यों बात हुई, ये अल्लाह ने अपना वादा निभाया, अल्लाह ताला ने चूंकि उसे जिंदगी दी थी वो छोड़ के चला गया। अब वो एक सुराका बिन जाशम की शक्ल में आया था, वही दाढ़ी वही शक्ल से। अब काफर उधर से बड़ी हैबत में थे, पहले ही अंदर से तो डरे हुए थे, अंदर से डरे हुए थे, जहरी ताकत दिखा रहे थे। जब वो भी चला गया, और तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इतनी करम नवाजी हुजूर फर फरमाई, इतनी करम नवाजी फरमाई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे साहबा जिनके पास तलवारें नहीं है ना, खजूरों की शाखें तोड़ के ले आओ। अब तलवार कहाँ, एक लकड़ी कहाँ और एक तलवार कहाँ, एक नेजा कहाँ, फाला कहाँ, एक तीर कहाँ, ईमान की ताकत है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अब आप ये देख लें कि मुसलमान पाकिस्तान जो है, हम तो 22 करोड़ हैं और इंडियन कितने हैं, 1 अरब 32 करोड़ लमसम। तो वो वैसे पैदल भी आ जाए तो हमें नीचे लथाड़ दें, लेकिन आ नहीं सकते क्योंकि हैं बुजदिल। गो के वहां मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों को निकाल के 25-30 करोड़ जो मुसलमान रहते हैं उनको निकाल के, बाकी हिंदू तो बुजदिल है, काफिर तो वैसे गैर मुस्लिम बुजदिल है। मुसलमान के दिल में अल्लाह ने यह ताकत रखी है, और ये मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूं, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि ये जो खित्ता है जमीन पाकिस्तान है, ये अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिख के रखा था, इसको बनाना था, रब ने बनाया है, और बनाया है तो क्यामत तक इसे उसने कायम रखना है। ये अलग बात है कि यहां लूटने वाले, इसको बर्बाद करने वाले, इसको तौबा नऊज़ बिल्लाह खत्म करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अल्लाह ने ये चूंकि बना के अल्लाह ने महफूज करके रखा था, इसे नाजिल किया, इसे बनाया, इसकी बुनियादों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जो है ताकत डाली, क्यामत तक अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाएगा। नहीं तो वो कर्जा देने वाले वो जितने भी हैं वो तो कहते हैं इतना कुछ हमने दिया, इतना कुछ इस्तेमाल किया, ये तो कब के खत्म हो चुके होते। ये चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ है, इसने कायम रहना है और हुजूर के सदके कायम रहना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर मुसलमानों की थोड़ी तादाद के बावजूद हुजूर की सिपा सलारी में इस्लाम को पहले हक को मारका, हक को बातिल के मारका में कामयाबी अता फरमाई। अब असहाब रसूल कहते हैं कि वो जो खजूर की छड़ियां थी, हम ऐसे करते थे, हैरान थे, वो छड़ियों से गर्दन उनकी काट के पहले नीचे जमीन पर गिर जाती थी काफरों की। 70 काफर मारे गए, 70 ही कैदी हुए, और कितने जख्मी हुए, और बड़े बड़े अबू जहल भी वहां मर गया, उत्बा शीबा सरदार कुरैशी, तो बड़े बड़े सरदार बाने कुरैश तो वहीं जहन्नम वासिल हो गए। और हजूर अलैहिस्सलाम की शान देखिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है गजवाए बदर की जंग
लगने से पहले, मार्का बपा होने से पहले हजूर अलैहिस्सलाम ने निशानदेनियां फरमाई, फरमाया यहां अबू जहल मरेगा, यहां शीबा मरेगा, यहां ये मरेगा, ये सारे यहां यहां ये पॉइंट है यहां मरेंगे। और जब अल्लाह ने फतह नुसरत अता फरमा दी और बच्चे कुचे उनके भाग गए, अल्लाह अकबर, फिर वो कुआं आज भी मौजूद है जिसमें सारों की लाशें उठा के उसके अंदर फेंक दी गई। अकल सलाम कुएं के किनारे पर आए और किनारे पर आने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम आज जो हक था, अल्लाह ने हक वालों को हक पे पहुंचा दिया और बातिल वालों को बातिल पे पहुंचा दिया, और तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारा अंजाम क्या हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में असहाबे रसूल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तो मर चुके हैं, ये सुनते हैं। हजूर ने फरमाया ये उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह तुम जिंदा मेरी बात को सुन रहे हो। और असहाबे रसूल कहते हैं जहां जहां हजूर ने निशान लगाए थे ना उसी उसी जगह पर कट के मरे थे, वो उसी उन्हीं जगहों पर कट कर मरे थे। और इस यहां से ये गज़वा बदर जो सन 2 हिजरी को हुआ अल्लाह ताला ने तकवीयत दी, और उसके बाद फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जहरी असबाब के साथ ताकत अता फरमाता गया। फिर 3 हिजरी को जाया गज़वा उहद हुआ, उसके बाद फिर आगे मामला चलते गए, 6 हिजरी को फिर सुलह हुदैबिया होता है और गज़वा खंदक, गज़वा अज़ाब जिसे कहते हैं वो भी हुआ। उसके बाद फिर 8 हिजरी को जहाँ मक्का फतह होता है, तो 4 महीने बाद ही गज़वा हुनैन हुआ, 8 हिजरी को ही जब मक्का फतह हुआ तो 4 महीने बाद गज़वा हुनैन हुआ। अब वहाँ पर 12,000 का लश्कर हज़ूर की सरकर्दगी में, आगे कुरान मजीद में आ रहा है, लेकिन वहाँ चूँकि तादाद ज़्यादा थी, मक्का फतह हो गया था, मुसलमानों के दिल में थोड़ा सा एक उजब भी आ गया, एक ज़रा थोड़ी सी वो नाज नखरा गया, हम तादाद में ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर जो आकल सलाम बेशक मौजूद थे गज़वा हुनैन में, लेकिन वो दिल में जो एक बात आई, दिल में जो एक बात आई उजब की कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, तो जहरी तौर पर पहले शिकस्त हुई, यहाँ तक कि 12,000 का लश्कर है, हजूर अकेले रह गए, सिर्फ 100 असाब हजूर के साथ रहे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी सवारी पर सवार होके हजरत अब्बास हजूर के चचा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ी हुई हजूर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और हजूर फरमा रहे हैं मेरे चचा इनको बुलाओ, क्या हो गया इन्हें, बदरियों को ही बुला लो, पीछे मत मुड़े, पीछे मत मुड़े। कबीला वाजन था वो छुपा हुआ था, उन्होंने हमला कर दिया अचानक से, और मुसलमान जो है वो अभी तक तैयारी में थे, एक बंदा हथियार जो है वो ऐसे लेके बैठा हो अचानक से हमला हो जाए तो बंदा तो नहीं तैयार होता। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चचा इन सब को बुलाओ, मैं मोहम्मद खड़ा हूं यहां, मैं इस दुनिया से अभी गया नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तुम्हें कामयाबी देगा। और जैसे हजूर अलैहिस्सलाम ने गज़वा बदर में एक मुट्ठी फरमाया का अल्लाह तबारक व तआला ने कि बमा रमई था इज रमई था वलाकिन अल्लाह रमा, मेरे हबीब वो जो कंकरी आपने फेंकी थी वो आपने नहीं, हाथ आपका था, ताकत रब्बे जुलजलाल की थी। वहाँ गज़वा हुनैन में भी हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसे कंकरियाँ मट्टी उठाई और ऐसे फेंकी, असहाब भी वापस आ गए और अल्लाह तबारक व तआला ने काफरों को शिकस्त अता फरमाई, शिकस्त अता फरमाई, 100 रह गए थे सारे वापस आ गए। तो गज़वा बदर में जहां ताकत थी वहां उजब नहीं था, यहां गज़वा हुनैन में ताकत जहरी थी, दिल में एक उजब आ गया, तो अल्लाह ताला ने जो जहरी फतह थी उसको शिकस्त में बदला, और फिर अल्लाह तबारक ने दोबारा इसमें फतह अता फरमाई। और फिर 9 हिजरी को गज़वा तबूक हुआ, 1 साल बाद गज़वा तबूक हुआ, जब हजूर अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक से वापस आ रहे थे तो फिर ये सूरह बरात नाजिल हुई, 10वें पारे में आया ना जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, ये जी जी ऐसे ही, ये सूरह बरात, सूरह तौबा, एक नाम इसका बरात भी है और सूरत क्या है सूरत तौबा, इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही, हालांकि कुरान की 114 सूरतें
सूरतें, इसको निकाल के 113 सूरतों में कोई ऐसी सूरत नहीं जिससे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना हो, लेकिन इसके साथ नहीं है। आका अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, इसमें हज के अहकामात नाज़िल हुए हैं और यहाँ से शुरू किया अल्लाह ताला ने बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह ताला ने उस वादे से जो है बेजारी का ऐलान फरमा दिया है, आज़ादी का ऐलान फरमा दिया है जो मुशरिकीन के साथ अल्लाह और उसके रसूल ने वादा फरमाया था। वो वादा क्या था? हज के अहकामात के आपको पता है वो सुलह हुदैबिया में जो वादा हुआ था, 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया का जो वादा हुआ था, काफिर तो पहले तोड़ने को तैयार थे और मुख्तलिफ छोटे छोटे वो जंगें और मतलब इस तरह के मामलात करते रहते थे, लेकिन जहां अल्लाह ताला ने क्लैरिटी के साथ फरमा दिया कि ले जी आज अल्लाह ने भी तोड़ दिया है, कि वो देखे कितनी बात है, घर अल्लाह का है, लेकिन काफिर कहते थे तो मुसलमान उमरा कर लेते थे, नहीं तो उनकी इजाजत के बगैर तो मुसलमान सीने काबा में नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। अल्लाह अकबर। 8 हिजरी को जो है गज़वा हुनैन हुआ और 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, 9 हिजरी को अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारे मामलात नाजिल फरमा दिए और हज के जितने अहकामात आज हो रहे हैं ये सारे अहकामात नाजिल हो गए, क्योंकि वो लोग तो नंगे तवाफ करते थे खाना काबा का, तौबा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पाक घर और वहाँ इस तरह की नापाक सोच, और वो फिर मैदान अरफात तक जो उनके वडेरे हैं वो जाते ही नहीं थे, वो मुज़दलिफा तक रह जाते, आगे भाई आगे गरीब गुरबा जाए आगे हमारे जाने का कि कोई ज़रूरत नहीं। और अल्लाह ताला ने इस इनायात में फरमा दिया कि मैदान अरफात को आपको पता है वो रुकन आज़म है, मैदान अरफात में हर हाजी का इकट्ठे होना और वो खुतबा हज सुनना इमाम का, वो रुकन आज़म है, जो वहाँ पहुँच नहीं सकता उसका हज ही नहीं है। ये अल्लाह ताला ने अहकामात हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब वो हज चूँकि पहला हज था मक्का फतह होने के बाद 9 हिजरी को पहला हज जिसमें हजूर तशरीफ़ नहीं ले गए थे, आका अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ नहीं ले गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमीरी में मुसलमान हज करने के लिए गए थे और वो हज मुसलमानों ने अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की रोशनी में करना था और काफरों ने जो अपने अंदाज से करना था। जब ये आयात नाजिल हुई हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये आयात देकर भेजा और ये समझा के भेजा कि ऐ अली तुम इन आयात के नुमाइंदे हो, ये आयात हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचानी है, अमीर हज अबू बकर सिद्दीक ही रहेंगे। इस पे भी मतलब ये है कि लोग आपको पता है मुसलमानों में ही वो एक तबका फिक्र है जो कहता है कि देखें हम तो अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला इसलिए मानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो हज पे गए हुए थे अमीर हज और पीछे से हजूर ने भेजा अली को कि जाओ जाके कहना कि अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी अमीरी ख़त्म और मेरी शुरू हो गई। कैसी कैसी बातें करते हैं ढकोसले। हालांकि हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजूर ने ये आयात दे के भेजा है ना कि अमीर हज बना के। और उस वक्त जब ये आयात गई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक टोले जो काफरों के थे एक एक खैमे में जाकर, हज का चुके मौका था, एक एक खैमे में जाकर जो है वो जाके बताया कि भाई ये अल्लाह के अल्लाह की बारगाह से ये सारे अहकामात नाजिल हो चुके हैं और आइंदा तुम इस मुशरिकाना अंदाज से अल्लाह के घर का तवाफ नहीं करोगे। और ये पैगाम 4 महीने तक देते रहे हजरत बकर सिद्दीक वहां पर, कितने महीने तक? 4 माह तक। 4 माह के बाद हजरत बकर सिद्दीक वापस मदीना में तशरीफ लाए थे ये पैगाम। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने और नुमाइंदा मुकर्रर फरमाया पूरे अरब में फैल जाओ और जाके कह दो कि अब ये जो हज जा रहा है 10 हिजरी का मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद हज करने के लिए जा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम खुद हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। और वो खुतबा हिज्जतुल विदा हजूर का पहला और आखिरी हज 11 हिजरी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया, तो आका अलैहिस्सलाम का वो खुतबा सुनने के लिए हज हजूर के साथ 1,30,000 असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजूर अलैहिस्सलाम का खुतबा सुना। अब आप ये देखेंगे अकेला ही चला था जानेबे मंजिल मगर लोग मिलते रहे कारवां
बढ़ता रहा। अगर अल्लाह चाहता तो मक्का की सरजमीन पर बैठकर ही अपने महबूब को फतह अता फरमा सकता था। अगर रब चाहता तो मस्जिद नबवी में ही बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसके साथ वादा किया था कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद दीन कुल्लिही व कफा बिललाहि शहीदा, मेरे हबीब मैंने यह दीन दिया है, आपको नबुवत और रिसालत दी है, इसलिए नहीं दी कि मैंने मस्जिद नबवी तक रखना है, मस्जिद हराम तक रखना है, इसलिए है कि क्यामत तक तेरा नाम भी रहेगा, मेरा नाम भी रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने फताओ अजमत के झंडे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिए। तो बिरादरान मोहतरम, हजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी हज फरमाया और आखिरी हज का खुतबा 130,000 अंबियान अपना असहाब रसूल ने सुना और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्लेगू अन्नी लो आया, मुझसे अगर किसी ने एक बात भी सुन के महफूज कर ली है तो क्यामत तक मेरी उम्मत तक पहुंचाते रहना, क्यामत तक पहुंचाते रहना। और हजूर अलैहिस्सलाम ने वो जो वर्ल्ड आर्डर दिया उस वक्त खुतबा हिज्जतुल विदा की, ये आज के भी वर्ल्ड आर्डर देते फिरते हैं, आज ये कभी औरतों का दिन मनाते हैं, कभी माँ बाप का दिन मनाते हैं, कभी जनाब अली मजदूरों का दिन मनाते हैं, कभी जो है वो हकूक का दिन मनाते हैं, आलमी क्या क्या से क्या मनाते हैं, मगर जो हकूक का दिन, जो इज्जत का दिन, एहतराम का दिन हजूर ने खुतबा हिज्जतुल विदा में मना दिया, क़यामत तक के लिए हजूर अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया, एक ऐसा डिक्लेरेशन दिया, एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक ऐन दिया कि दुनिया जहान की जो मर्जी तंजीमें, दुनिया जहान के जो मर्जी इदारे जो मर्जी कहते रहे, मगर हजूर ने जो निज़ाम दे दिया क़यामत तक अल्लाह ने नाफिज करके हर एक के हकूक उसकी दलील पर पहुँचा दिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हजूर अलैहिस्सलाम के सदके अपनी रहमतें और इज़्ज़तें अता फरमाए और मुसलमानों को ताकत अता फरमाए, मुसलमानों को अज़्म हिम्मत के साथ इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इस्लाम का अलमबरदार बनकर दुनिया आखरत में कामयाबी नसीब फरमाए। हुमा अलिया इल्लल बलाग।